गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे? सारे बहुत अच्छे होंगे यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, जो पिछला जो लेक्चर था, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो तांडव शुरू कर रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने उठा रखे हैं सारे, तो उसके दो लेक्चर आप लोगों ने देख लिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज थर्ड लेक्चर है, तो जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि आप लोग उसको घर पे करके ट्राई करके देखोगे और सोल्व करने की कोशिश करोगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल दी हुई है आपको, उसके लिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ निकालनी है। मतलब कहने का मतलब ईएमएफ निकालनी है, क्योंकि ईएमएफ आप नेक्स्ट इक्वेशन से निकाल लोगे तो ये नेक्स्ट इक्वेशन अपने आप लिखी जाएगी अगर आप ईएमएफ निकालोगे तो। गिवन क्या है, सेल रिप्रेजेंट की गई है कंप्लीट सेल, और आपको ई स्टैंडर्ड Fe2 पॉजिटिव से Fe दिया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रिक है, ट्रिक क्या लगाई उसने कि उसने केवल ही स्टैंडर्ड Fe2 पॉजिटिव से Fe दिया, जबकि H पॉजिटिव से H2 या H2 से H पॉजिटिव कुछ नहीं दिया। तो भाई यहाँ पे दिक्कत आ गई, कैसे करोगे बताओ? कि सर हमें तो एक का दिया है, दूसरे दिया ही नहीं, कैसे निकालेंगे? वहाँ पे चाहिएगा ई स्टैंडर्ड सेल, तो दोनों का निकालने के लिए, तो ई स्टैंडर्ड सेल के लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल भी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी, जबकि यहाँ पे तो हमें ये दिया है, आयरन का दिया है, वो भी रिडक्शन दिया है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब बच्चों हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी थी, वहां हमने देखा था जो हाइड्रोजन था वो ऑलमोस्ट बीच में था, बीच से थोड़ी नीचे था, ऊपर नेगेटिव में ज्यादा थी पॉजिटिव में। तो हाइड्रोजन की वहां पे आपको याद रखने की, हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, वो जीरो स्टैंडर्ड माना गया था। इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ाया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में इन सब की वैल्यू डिसाइड की गई है। तो हाइड्रोजन का हमेशा लिया जाता है जीरो, वो दे ना दे डजेंट मैटर, हाइड्रोजन का जीरो होता है। तो कर लो इसके रिएक्शन को, लिख लो क्या हो रहा है आपका। देखो Fe, अब देखो ये H2 है, अब इनको अलग अलग लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, N का खेल है ना सारा। क्या होगा, Fe ने Fe2 पॉजिटिव बनाया 2 इलेक्ट्रॉन देके, इधर लिखो H पॉजिटिव ने H2 बनाया। क्या एक H पॉजिटिव अकेला दो H2 बना सकता है? दूसरा H कहाँ से आएगा? तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी देने पड़ेंगे तभी तो H2 बनेगा। भाई ये यहाँ तो एक H पॉजिटिव कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं, यहाँ बोला H2 बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। भाई अब ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगी, Fe प्लस 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, और क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से हमने लिखनी है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ आप लोग मुझे। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन बाय एन लॉग ऑफ पी बाय आर, यही तो लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट क्या दिया गया है और रिएक्टेंट क्या है। Fe ने Fe2+ बनाया है, Fe ने Fe2+ बनाया है, ये रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है। तो Fe2+ की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है। कर लो कैलकुलेट, कैसे करोगे? अभी देखो आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का और ऑक्सीडेशन, आयरन का दिया क्या है रिडक्शन, कैसे करोगे? इस वैल्यू को प्लस बना दो माइनस में, तो क्या निकालोगे, ई सेल लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए तो जीरो हो जाएगी, तो माइनस क्या होगा, माइनस नहीं प्लस, और हमारा उसके लिए क्या हो जाएगा, आयरन के लिए 0.44। ये तो थी, ये क्या है, ई नॉट सेल है, ऐसे तो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन आप जीरो, हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन के लिए हमने वैल्यू माइनस को प्लस बना दिया क्योंकि वहां पे हमें रिडक्शन दिया है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट सेल -0.0591/n, n के वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 log of क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो log of प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, देखो आयरन, यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव जा रहा है, प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 बाय रिएक्टेंट एच पॉजिटिव, ये रिएक्टेंट साइड है ये 1, इसको सोल्व कर लो भाई। यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591/2
लॉग ऑफ, इसको सोल्व करो कैसे हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो, 0.001 को लिख सकते हो 10^-2, 10^-2 लिखोगे, 10^-3 लिखोगे, इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करते रहना, है भाई कर लोगे। तो लॉग ऑफ ये तो 1 है, इसको तो लिखो मत लिखो, लॉग ऑफ 0.001 है, 0.001 को क्या लिख सकते हो 10^-3 हो सकता है नहीं। अभी -3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो -3 आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल टर्म को और ये 1.5 हो जाएगा, कट जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा 0.44 प्लस 0.1773 बाय 2 इज इक्वल टू 0.44 प्लस ये आ जाएगा 0.0886 वोल्ट और ओवरऑल आ जाएगी 0.5286 वोल्ट, ये आंसर आएगा भाई इसका। कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दिया है कि आपको किस फॉर्म में अप्रोच करना है, अप्रोच आनी चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, CBSE ऑल इंडिया CBSE का है ये, ईयर आपकी 2010 ईयर का जो AICSE का क्वेश्चन आया हुआ है और ये है 5 मार्क्स में। देखो 5 मार्क्स में इसमें 2 पार्ट पूछे हैं, पहला पूछे सीधा कोलरोचला, स्टेट कोलरोचला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्या आपको कोलरोचला की डेफिनेशन देनी है, क्या होता है क्या नहीं, 2-3 लाइन में जो हमने कराया है वो लिखना है। उसके बाद है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड के लिए आप कैसे लिखोगे उसकी कोलरोचलो से, वो लिखना है आपको। चलो भाई लिखते हैं। अब देखो कोलरोचला क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस पे बात करता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन का और एनायन की जो कंडक्टिविटी है वो इंडिविजुअल हो जाती है, मतलब आपस में उनका इंटरेक्शन खत्म, बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। तो उसने कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द इंडिविजुअल सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, यही तो कहा था। एग्जैक्टली क्या थी, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस, ये था मतलब आपका जो था ना 3 डेट में, क्या नाम था भाई उसका, चतुर वाला आंसर, और अमीर खान वाला क्या था अलग अलग, मैं पहले बताया, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, समझो आप अमीर खान वाले तरीके से लिखो, आप चतुर वाले तरीके से तभी आपके मार्क्स आएंगे, समझ में आना जरूरी है, क्योंकि चतुर वाला तो आप भूल भी सकते हो, समझ में आ अगर आपने पहला पार्ट ढंग से समझ लिया तो एटलीस्ट कुछ लिख के आओगे, इतनी गारंटी है। तो कर लोगे, तो कैसे डिनोट करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, ये क्या है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, ये क्या है वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुई। अब वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव क्या है, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव मान लो हमारा केस है NaCl का, NaCl तो इसमें कैटायन क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक Na बनेगा एक Cl, तो यहाँ पे V पॉजिटिव V नेगेटिव वैल्यू आ गई 1-1। अब मान लो दूसरा केस आ गया CaCl2, CaCl2 किसमें टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव, ये Ca कितना बनेगा एक आयन और Cl के दो बनेंगे 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव के दो आएंगे पॉजिटिव का एक, यहाँ पे दो कंडक्टिविटी दो आयन बनेंगे तो ज्यादा भाई, एक आयन एक मान लो एक आयन को एक करंट कैरियर मान लेते हैं, यहाँ पे दो निकल रहे हैं जबकि Ca2 प्लस अकेला निकल रहा है, तो जितने नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं वो होते हैं V प्लस और V माइनस। अब एसिटिक एसिड के लिए पूछ रहा है तो CH3 COOH किस में टूटता है, वीकली डिसोसिएट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इसके लिए ये भी V की कैटायन की वैल्यू 1 है एनायन की वैल्यू 1 है, लिख दो ये पॉजिटिव की जगह लिख दो आप H पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह लिख दो CH3 COO नेगेटिव, V प्लस की जगह 1, V नेगेटिव की जगह 1, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH, ये लिख लोगे। ये क्वेश्चन में 5 नंबर वाले पार्ट में 3 नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो अगला था
अगले कैलकुलेशन पार्ट है, चलो उसको छोड़ते हैं, वो हमने कर लिया। एक देखो एक क्वेश्चन और है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड डीएलजी। मैं लिखता हूँ फिर करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को क्या है और एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। देखो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड डीएलजी स्टैंडर्ड मतलब गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस एक रिएक्शन दी आपको कि निकिल और सिल्वर है, निकिल और सिल्वर है तो उनकी एक रिएक्शन हो रही है, उसमें स्टैंडर्ड की वैल्यू 1.05 है। स्टैंडर्ड यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये और अंडरस्टूड होना चाहिए कि सेल की दी है, अगर आपको कुछ नहीं लिखा तो वो सेल की होगी। तो ये रिएक्शन दी, इसके लिए आपको केसी निकालना है और डेलजी निकालना है। अब तो डेलजी का क्या होता है, डेलजी स्टैंडर्ड क्या होता है, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड निकाल लो। एन क्या है देखो सीधा सा सिंपल तोड़ लो, एन आई ने क्या किया, एन आई टू प्लस बनाया क्या करके, दो इलेक्ट्रॉन देके, ए जी दो ए जी दो ए जी बना रहे, मतलब क्या किया 2Ag ने 2Ag प्लस नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो दो Ag बना दिए सॉलिड। तो चेंज कितने का, इलेक्ट्रॉन दो का, तो इनकी वैल्यू हो गई 2। F होता है 96,500। स्टैंडर्ड दिया आपको 1. क्या दिया, कहाँ है 1.05। सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है भाई। अब ये तो हो गई, अब वो कह रहा है केसी और निकालो। अब केसी के लिए देखो हमारे पास क्या है, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू आर टी लॉग केसी, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू आर टी लॉग केसी पढ़ा है ना, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू आर टी लॉग केसी। लेकिन इसके साथ एलएन था, ये एलएन था जब आता था आर टी लॉग केसी। अब एलएन को हमने लॉग कर दिया तो ये हो गया था हमारा -2.303, ये हो गया था लॉग में, अगर एलएन होता तो 2.303 नहीं होता। अब इसका हमने क्या पता है, डेलजी स्टैंडर्ड का दूसरा फॉर्मूला ये होता है एनएफई, इनको इक्वेट कर दो इधर लिख दो माइनस एनएफई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग केसी, माइनस को माइनस जोड़ा दो, एन की वैल्यू 2 और एफ ई ये सब आपको पता ही है, इनको वैल्यू पुट करके इन सब की लॉग केसी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से लॉग केसी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो मैं 500 बता देता हूँ, लॉग केसी की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ये कुछ इस तरह से बनेगा एन ई स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय 0.0591 वही आएगा नेक्स्ट इक्वेशन वाला रिलेशन आएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करो, स्टैंडर्ड की वैल्यू पुट करो 2 इंटू, मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, लॉग केसी इक्वल टू एन है 2 इंटू 1.05 और नीचे आ गया 0.0591, यही बना हमारा लास्ट रिलेशन। और इसको जब सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, लॉग के की वैल्यू आएगी हमारे पास, लॉग के की वैल्यू हमारे पास आएगी भाई 35.53। अब इसको एंटी लॉग लेंगे तो वो वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा लॉग के का। एंटी लॉग के अगर आपने टेबल दी हुई हो या कुछ डाटा दिया हो तो एंटी लॉग करके के की वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये होता क्या, थोड़ा समझ लो, लॉग है लॉग के, अब हमें पूछिए के की, तो हम क्या करेंगे इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग के, ये इधर भी एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू की एंटी लॉग में एक वैल्यू आएगी, टेबल से देखेंगे वो वैल्यू आ जाएगी कुछ, और यहाँ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, के बच जाएगा और वो जो वैल्यू आएगी वो भी लिख लो 3.411 इंटू 10^5 ये आएगा वही वैल्यू आंसर 10^35। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक बार इसको पढ़ो देखो और खुद से करने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन और लिखो कल आपको वो करना है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl ये है, ये स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दिया 426 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये एस है सीमेंस यूनिट है। स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी NaCl की आपके पास 126 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये एसिटिक सोडियम एसिटेट की है 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, ये सब आपको दिया हुआ है और ये भी भाई स्टैंडर्ड ही है सेल भी। और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट। देखो दिया क्या आपके, आपको दिया एच सी एल के लिए दिया है, आपको एन सी एल के लिए दिया, आपको सोडियम एसीटेट के लिए दिया। अब वो कह रहा है सी एच थ्री सी ओ एच के लिए निकालो, सी एच थ्री सी ओ एच ये सब दिया हुआ, तो आपको क्या करना है इसके लिए निकालो। एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव लिखोगे, इसको लिखो पूरा ढंग से जैसे लिखते हो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके और उसमें से वन को घटा दो। मतलब क्या करना आपको कि ऐसी कुछ रिएक्शन बनानी है इन सबसे, एच सी एल एन ए सी एल और सी एच थ्री सी ओ एन ए से, इस तरह से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि लास्ट में हमारे पास सी एच थ्री सी ओ एच आए। और उनकी जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी वैल्यूज तो है ही, उनको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना। मतलब आपको एक ट्रिक है ये आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए कि मैथमेटिक्स को आप कितना इन्वॉल्व कर पाते हो। केमिस्ट्री कुछ नहीं है, यूनिट्स दी हुई है, कुछ नहीं करना, लेकिन आपको देखना है किस किस को जोड़ के किस में से निकाल लेंगे। जब ये आएगा हमारे पास सी एच थ्री सी ओ एन ए आ गया, यहाँ से एन ए सी एल है, यहाँ से मान लो आपने एन ए सी एल की ले ली, इसमें से एच सी एल हटा दिया, एन ए सी एल में से आपने एच सी एल हटा दिया, क्या बचा भाई, सी एल गया, एच बच गया और एन ए बच गया। अब इसको इसमें से घटा दो तो एन ए गया, एच बच गया, एच इसमें जुट जाएगा। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बना के इसको सोल्व करने की कोशिश करना है, वरना अगले लेक्चर में हम इसको सोल्व कराएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं बहुत कम क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली के, तो इनको आप बहुत अच्छे से करो। न्यूमेरिकल की मैं कह रहा हूँ आप एक अलग नोटबुक बना लो तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज स्कूल में जब आप जब भी आओगे तो बनवाऊंगा ही मैं। तो अभी से एक अलग में लिखना शुरू कर दो सारे न्यूमेरिकल, ताकि बाद में जब न्यूमेरिकल हो तो एक बार वो नोटबुक उठा ले, थ्योरी के लिए ये उठा ले नोट्स वाली। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने सभी यार दोस्तों से भी करवा दिया होगा।